वेलकम टू यूनिकेशन सेंटर। आज हम अपने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। इसमें हम आगे के टॉपिक कवर करते हैं। अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कवर कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का टॉपिक है वहां पे, तो उसके पहले हमको कुछ टर्म्स जान लेने हैं उनके बारे में, फिर वहां से हमारा जो पूरा उसको समझना होगा वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हम पहले देखते हैं क्या मिनरल्स, ये मेटलर्जी से एक्सट्रैक्शन वाले पूरे टॉपिक से रिलेटेड है। तो मिनरल्स पहले देखते हैं क्या होते हैं। तो मिनरल्स जो नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स होते हैं अर्थ क्रस्ट में, उसी को हम मिनरल्स बोलते हैं। और ओर्स क्या होते हैं, ओर्स और मिनरल्स, ओर्स जो होते हैं उसमें ज्यादा अमाउंट में कोई भी मेटल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम ओर्स में से ही मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हर एक मिनरल्स में से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ओर होते हैं वो मिनरल होते हैं, मतलब हर एक ओर जो होता है वो एक मिनरल होता है। तो मिनरल्स के बारे में अगर हमको लिखना तो हम क्या लिखेंगे, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। मिनरल्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओर्स क्या होते हैं, तो मिनरल्स को हम खनिज बोलते हैं। तो खनिज वे पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के ऊपरी परत में पाए जाते हैं, जिनमें से हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। यहाँ पे फिर उसके बाद हमारे पास आता है ओर, जिसको हम अयस्क बोलते हैं। तो अब अयस्क क्या होते हैं, तो अयस्क मिनरल्स ही होते हैं, खनिज ही होते हैं, लेकिन जिनमें से हम एक अच्छे अमाउंट में, एक अच्छी मात्रा में हम धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं, एक उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाने के लिए। तो ओर्स के बारे में क्या लिखेंगे, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इजीली। उन जिन मिनरल्स में से मेटल्स को आसानी से और एक अच्छी मात्रा में निकाला जा सकता है, उनको हम ओर्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मिनरल्स में और ओर में। अब इसके बाद हमारा एक अगला टॉपिक आएगा, गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं। गैंग को गैंग हिंदी में भी बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स। गैंग ही बोलते हैं इसको। तो ये क्या होते हैं, जो भी ओर्स में, अब ये शुद्ध पदार्थ, शुद्ध धातु नहीं होता है, तो इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं, उन अशुद्धियों को ही हम गैंग बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, गैंग पार्टिकल्स आर इम्प्योरिटीज इन ओर्स इन द फॉर्म ऑफ डस्ट सैंड सिल्ट एंड मड एटसेट्रा। गैंग क्या होते हैं, तो गैंग इम्प्योरिटीज होते हैं जो ओर्स में हमको मिलते हैं, और वो किस फॉर्म में होते हैं, कचड़े मिट्टी और कीचड़ के फॉर्म में उसमें रहते हैं, तो उसको हम गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं।
तो अब एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इन गैंग पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। इन गैंग पार्टिकल्स का जो अलग करने का प्रोसेस होता है उसको हम कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट बोलते हैं। तो एनरिचमेंट की डेफिनेशन अगर हमको लिखना है तो कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट, या फिर हम इसी को बोलते हैं एनरिचमेंट। इसको हम कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण बोलते हैं, अयस्क का सांद्रण। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम इस गैंग पार्टिकल को और से अलग करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, सांद्रण को, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर्स इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट। इसको हम अयस्क का सांद्रण किसको बोलते हैं, तो उसके अयस्क में से गैंग कण जो होते हैं उनको अलग करने को हम अयस्क का सांद्रण बोलते हैं। अब इसके बाद पूरा इसके लिए एक हमारे पास पूरा डायग्राम बना होगा, जिस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन होता है मेटल्स का वो उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे होता है। जो बिल्कुल टॉप में पाए जाते हैं उनके लिए अलग प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, जो मिडिल में पाए जाते हैं उनके लिए अलग, और जो बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं उनके लिए अलग प्रोसेस होता है। तो अब हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस देख लेते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं जो हमारे मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में वो कहाँ पे है, बिल्कुल टॉप पे है या मिडिल में है या फिर बिल्कुल नीचे है, उस हिसाब से हम करते हैं। तो जैसे हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो सक्रियता श्रेणी, जैसे अभी जो फिगर में दिख रहा है उसमें सबसे पहले हमारे पास ऊपर के जो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, उनका बिल्कुल हम लास्ट में भी देखेंगे कि कौन सा मेथड यूज किया जाता है। उसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन का मेथड का यूज किया जाता है। उसके बाद मिडिल वाले जो आते हैं उसमें हमारे पास जिंक, आयरन, लेड और कॉपर है, तो ये इनके लिए हम एक ऐसा मेथड यूज करते हैं जिसमें कार्बाइड मतलब कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों, कार्बोनेट सल्फाइड दोनों अयस्क मिलते हैं। तो इसके लिए अभी हम एक डायग्राम देखेंगे, और फिर उसके बाद जो बिल्कुल सबसे नीचे आते हैं उनका किस तरह से, तो क्योंकि ये सबसे नीचे आ रहे हैं इसका मतलब ये सबसे कम क्रियाशील होंगे, तो ये बिल्कुल आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो सबसे नीचे आते हैं उनका किस तरह से उनका निष्कर्षण किया जाता है उनके बारे में देखते हैं। तो जो सबसे नीचे आते हैं, जैसे वहां पे हमारे पास एक मरकरी भी आता है और इसके सल्फाइड अयस्क जो होते हैं सल्फाइड, और इनसे इनका हम एक्सट्रैक्शन देखते हैं किस तरह से। तो जो हमारे पास लो इन यहाँ पे नेक्स्ट जो फिगर दिख रहा है ये वाला, इसमें हमारे पास जो फ्लो चार्ट पूरा दिख रहा है कि पहले हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज, फिर मिडिल इन रिएक्टिविटी सीरीज और फिर उसके बाद लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो मिडिल वाले में हमारे पास सल्फाइड भी है और कार्बोनेट भी है। कार्बोनेट और सल्फाइड से हमको यहाँ पे ऑक्साइड बनाना है। अब कार्बोनेट से हमको बनाने के लिए उसका उसका कैल्सिनेशन करना पड़ता है, और सल्फाइड से ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीडेशन कर उसका रोस्टिंग उसको करना पड़ता है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, कैल्सिनेशन का मतलब रोस्टिंग पहले देखते हैं। रोस्टिंग जिसको हम भर्जन बोलते हैं, रोस्टिंग का मतलब होता है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट देना, उसको गर्म करना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसको हम भर्जन बोलते हैं। और कैल्सिनेशन जिसको हम निस्तापन बोलते हैं उसको वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो इसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो ये कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हीट दिया जाएगा। तो अब उसका, क्योंकि जब कार्बोनेट होगा तो वहां पे खुद कार्ब ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट रहेगा, तो ऑक्साइड बनाने के लिए बस ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी,
अभी हम आगे रिएक्शन में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लो वाला बिल्कुल देखते हैं। तो वहां पे हमारे पास जैसे सल्फाइड एक और है, तो उसके जो भी हमारे स्टेप्स दिए गए हैं, पहले क्या दिए गए हैं कि उसका सबसे पहले तो ओर रहेगा, ओर का हम कॉन्सेंट्रेशन जब करेंगे एनरिचमेंट, तो वहां पे हमको प्योर ओर मिलेगा। अब प्योर ओर को तीन कैटेगरी में वहीं आगे डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले सबसे लास्ट में आएगा लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें हमारे पास एक एग्जांपल हम लेते हैं जैसे, तो उसमें हम स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन से हमको दिए गए हैं। तो लो इन रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास पहले सल्फाइड ओर है, फिर उसके बाद उसको रोस्ट किया जा रहा है, फिर उसके बाद मेटल जो मिल रहा है उसके बाद रिफाइन किया जा रहा है उसको। तो हम एग्जांपल लेते हैं, ये मरकरी का एक ओर है जिसको हम सिनेबार बोलते हैं, मरकरी का एक सल्फाइड ओर है, इसको रोस्ट करना है मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको गर्म करना है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करने के लिए ऑक्सीजन, और जब ये रिएक्ट करेगा तो HgO और प्लस SO2 ये अपना एक पूरा रिएक्शन करेगा। अब बैलेंस अगर इसको हमको करना है तो आगे हम बैलेंस कर लेते हैं, 3O2 प्लस HgO और ये बन जाएगा हमारे पास 2HgO और प्लस 2SO2। अब ये जो यहाँ पे हमको हाइड्रोजन ये मरकरी का ऑक्साइड जो मिला, इसको फिर से जब और हीट देंगे तो ये मरकरी और ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2HgO, इसको जब हीट देंगे तो ये बन जाएगा Hg और प्लस O2। यहाँ पे दो मरकरी है तो ये 2HgO हो जाएगा। ये एक रिएक्शन रहा जो कि बिल्कुल रिएक्टिविटी सीरीज में जो बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। एक और मेटल हमारे पास होता है कॉपर, ये भी नीचे ही पाया जाता, तो इसका भी सेम तरीके से ही हम रोस्ट करके इसको, पहले इसकी रोस्टिंग की जाती है, फिर उसके बाद आगे रोस्टिंग के बाद जो भी मिलेगा मेटल उसको फिर से ऑक्साइड मिलेगा, तो ऑक्साइड का फिर से हम रिडक्शन करके प्योर मेटल पा सकते हैं। जैसे हमारे पास है कॉपर सल्फाइड का Cu2S प्लस, अब इसको रोस्ट किया जाएगा मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट दिया जाएगा, तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कॉपर का ऑक्साइड बनता है। तो कॉपर का ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी, लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के हम क्या करते हैं, सारे मेटल्स को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे 3O2 और हमारे पास अब ये इसको बैलेंस करते हैं, तो 2CO2S प्लस 3O2 और यहाँ पे हमारे पास कॉपर जो है वो 4 है, तो यहाँ पे हम इसको भी 4 बनाते हैं और बचा फिर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, तो ये बन गया। अब हमारे पास इसका जो टोटल रिएक्शन होता है पूरा, ये कॉपर ऑक्साइड प्लस ये जो कॉपर सल्फेट होता है, ये दोनों मिल करके यहाँ पे हमारे पास कॉपर बनाएंगे और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। अब इसको हमको बैलेंस करना है कि यहाँ पे अगर हमारे पास दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए और सल्फर तो ठीक है, SO2 यहाँ से हमारा निकल जाएगा और ये टोटल हमारे पास 6 CO बचेगा, क्योंकि 4 यहाँ पे हो जाएगा और 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 मिलके हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्योर कॉपर इस फॉर्म में मिलेगा। तो ये तरीका होता है वहां पे हमारे पास प्योर मेटल फाइंड करने का, जो बिल्कुल एकदम नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। अब हम देखते हैं जो मिडिल में आते हैं वो उनका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से वो मिलते हैं हमको। नेक्स्ट हमारे पास वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में पाए जाते हैं, तो उसमें जैसे हमारे पास एक जिंक का एग्जांपल हम लेके चलते हैं। तो जिंक के हमारे पास कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों तरह के ओर्स होते हैं। अब इनका एक्सट्रैक्ट, इनसे हमको पहले हम इनसे कार्बोनेट और सल्फाइड से ऑक्साइड बनाते हैं और इस ऑक्साइड का फिर हम रिडक्शन करवा देते हैं, तो हमको प्योर मेटल मिल जाता है। तो सल्फाइड के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं, सल्फाइड का जैसे दिख रहा है कि
सल्फाइड के बाद फिर उसका रोस्टिंग किया जाएगा और रोस्टिंग के बाद वो चेंज हो जाएगा ऑक्साइड में। और इधर जो हमको कैल्सिनेशन, जब कार्बोनेट है तो वहां पे कार्बोनेट में हमको कैल्सिनेशन करना पड़ रहा है और कैल्सिनेशन के बाद फिर से मिल रहा है हमको ऑक्साइड। और उस ऑक्साइड का रिडक्शन करने के बाद, क्योंकि रिडक्शन एक प्रोसेस होता है ऑक्सीजन के अलग होने का, अब लास्ट में जब ऑक्सीजन उसमें जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन जब हटेगा तो प्योर मेटल हमको मिल जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। तो रोस्टिंग का क्या, इसमें दो स्टेप्स होंगे, एक पहला रोस्टिंग होगा और दूसरा कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग होता है सल्फाइड के लिए और कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट के लिए। तो यहां पे हमारे पास सल्फाइड, जिंक सल्फाइड है। रोस्टिंग होगा मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें हीट दिया जाएगा, तो इसको हम भर्जन बोलते हैं और इसको हम निस्तापन बोलते हैं। यहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में और यहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यही डिफरेंस होता है। तो जैसे हमारे पास अब यहां पे क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब यहां पे ये अगर हमको बैलेंस करना है तो 3O2 और जिंक ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड, ये बैलेंस है, SO2 ऑक्सीजन 6 है। अगर यहां पे हम 2 लगा देते हैं, यहां पे भी 2, तो यहां पे भी हमको 2 लगाना पड़ेगा। तो ये बैलेंस इक्वेशन रहा। तो ये तो रोस्टिंग का हो गया। अब हम कैल्सिनेशन का देखते हैं। तो कैल्सिनेशन में हमारे पास जिंक कार्बोनेट होगा और इसको बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के, ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसको हीट दिया जाएगा। तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट दिया जाएगा तो जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। देखते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे और CO2, तो ये भी बैलेंस है। अब यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट मिला है वो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और यही हमको चाहिए था। तो अब जैसे जो हमारा फिगर में, अब हम देखते हैं अपना कि क्या दिया गया है। तो रोस्टिंग जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड में, सल्फाइड से आके हमको ऑक्साइड ही मिला है और इधर कार्बोनेट से भी हमको ऑक्साइड ही मिला है। तो अब इस ऑक्साइड का जब हम रिडक्शन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन, तो प्लस कार्बन के साथ में रिडक्शन जब होगा तो ये जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो गया। यहाँ पे हमको प्योर जिंक मिल गया। तो ये तरीका होता है जो मिडिल में पाए जाते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का। अब इसके बाद हमारा लास्ट वाला आता है जो बिल्कुल टॉप में होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनको अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। अब ये देखते हैं, अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन मेथड, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम, जैसे अभी फिगर में जो दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और इसमें हमारे पास कैथोड इस साइड और एनोड उस साइड है। अब जब सोडियम क्लोराइड होगा तो ये Na प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। अब जो हमारे पास कैथोड है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो उस पे सोडियम आएगा, और जो एनोड है, एनोड पे Cl नेगेटिव जाएगा एनोड पे, और Cl नेगेटिव जब जाएगा तो, अब Cl नेगेटिव है इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इलेक्ट्रॉन उस एनोड पे दे देगा और Cl एक और Cl का वेट करेगा। तो जैसे ही दूसरा Cl पहुंचेगा Cl2 बना लेगा, और यहाँ पे जो आपको बबल्स दिख रहे हैं वो क्लोरीन गैस के हैं, तो वहां से क्लोरीन गैस अपना धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा, एनवायरमेंट में वो निकलता रहेगा, और जो सोडियम होगा वो यहाँ पे जा करके एनोड पे इलेक्ट्रॉन ले करके वो उसके सरफेस पे धीरे धीरे चिपकने लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन और सोडियम अलग अलग मिल जाएंगे। तो ये मेथड यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन, जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो बिल्कुल हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अब हमारे पास बिल्कुल लास्ट टॉपिक आता है जिसको कोरोजन हम बोल रहे हैं। तो कोरोजन क्या होता है और इसको, इससे बचाने के क्या तरीके होते हैं, अब हम वो देखते हैं। अब हमारे पास
कोरोजन है, तो कोरोजन क्या होता है, व्हेन मेटल्स आर अटैक्ड बाय एसिड एंड ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग दिस दे बिकेम कोरोड एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कोरोजन। यहाँ पे जब भी कोई भी मेटल ऐसे ओपन एनवायरमेंट पे रख दिया जाता है तो उसके सराउंडिंग में जो भी एसिड्स होते हैं या जो भी ह्यूमिडिटी होती है उनसे वो रिएक्ट करके धीरे धीरे कोरोड होने लगता है। इसी फिनोमेना को हम कोरोजन या संक्षारण बोलते हैं, जब वो धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है। अब इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं, तो बाय पेंटिंग आप पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग एंड बाय मेकिंग अलॉय आप मिश्र धातु बना के उसको बचा सकते हैं कोरोजन से, संक्षारण से। अब उसमें एक गैल्वेनाइजेशन या गैल्वोनीकरण क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल विद जिंक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से लोहे की जो वस्तुएं होती है उनके ऊपर जिंक की एक पतली लेयर चढ़ा देते हैं, उससे वो उसका एटमॉस्फेयर से या एनवायरमेंट से कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो संक्षारण उसका नहीं होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है एलॉय, मिश्र धातु क्या कहते हैं, तो हम क्या करते हैं एक मेटल लेते हैं, एक धातु, उसमें कोई धातु या अधातु एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो मिश्र धातु बनता है। अब मिश्र धातु में जैसे हमारे पास क्या क्या है, स्टेनलेस स्टील, तो इसमें निकिल और क्रोमियम को जब हम आयरन में मिला देते हैं तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील मिलता है। स्टील का जो जैसे जो बर्तन होता है उसमें जंग नहीं लगता है, तो वो एक तरह की मिश्र धातु है। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रास, जैसे पीतल हो गया, तो ये कॉपर और जिंक का एक मिक्सचर होता है। फिर ब्रॉन्ज, जो कांसा होता है वो कॉपर और टिन का होता है। फिर सोल्डर, ये हमारे पास लेड और टिन का एक मिक्सचर होता है। तो इस तरह से मिलाने पे एक बचाने का वो भी तरीका होता है। हाँ, एक चीज और हमको पढ़नी है, एमलगम। तो एमलगम क्या होता है, ये जो एलॉय होते हैं, अगर इस एलॉय में जो एक धातु है वो पारा हो तो उसको हम पारा होगा तो उसी को हम एमलगम बोलते हैं। तो किसी भी मिश्र धातु को हम एमलगम बोलते हैं जब उसमें से एक कंपोनेंट, उस जो भी उसमें मेटल मिलाए गए हैं, जब उनमें से एक कोई पारा होता है, मरकरी होता है, तो उसको हम एमलगम बोलते हैं। यहां तक ये पूरा आपका लास्ट टॉपिक था, यहाँ पे आपका चैप्टर ये मेटल एंड नॉन मेटल खत्म होते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।